सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबको अनिल की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो भाई बज रहे हैं सुबह के अभी 9 और अभी उठे, और गला की हालत भी थोड़ी ख़राब। तो नहाते धोते हैं, रूटीन डेली रूटीन की तरह फ्रेश होते हैं, फिर निपटाते हैं आज काम। 2000 years later हो भाई, पता टाइम कितना हो रहा है अभी, मतलब शाम के 4 बजने वाले हैं। और आप सोच रहे होंगे सुबह के बाद सीधा शाम, आज पूरा दिन आराम से भाई सोए रहे, और मतलब सोए थे, मम्मा ने उठाया नहीं। अभी 4 बजने वाले, भूख लगी, खुद ही नींद खुली। अब आए हम बाहर और खाएंगे खाना, क्योंकि आज बड़ी डांट पड़ने वाली घर से, पूरा दिन सोए ना हम। चलते हैं किचन में खाना कुछ ना कुछ बनाओ। गौरव भी, मैं और गौरव दोनों, गौरव भी आ रहे आ गया भाई। खाना पहले खाना खा लेते हैं, बाकी सब घर में भी सो रहे हैं, क्योंकि सुबह से हम सो रहे थे, घर वालों ने सारा काम ख़त्म किया फिर सो रहे हैं। और अब हम उठेंगे, मुर्गे वगैरह का ध्यान देंगे, तब भी बचेंगे। अच्छा मुर्गे देखते हैं आज, आज एग ढूंढते हैं पहले, आज कितने एग मिले हमको फाइनली। डब्बा ले जाना पड़ेगा उसके लिए। चल भाई गौरव बैठो, अब हम करेंगे यहाँ से पहले गाय का जो गोबर वगैरह इकट्ठा करेंगे। चल चल, क्या कर लगाए? चलो चलो, कर लगे अपने निकालेंगे गाड़ी। अब ये भी है उधर भी है, क्योंकि बारिश आने वाली है ना, तो फिर बारिश से सब खराब हो जाएगा। ये आगे भाई गाय को घास डालने की जगह, क्योंकि अगर यहाँ पे घास डालेंगे ना, फिर घास गिरता नहीं है बाहर, मतलब भूसा वगैरह बाहर नहीं, तो गाय बहुत वेस्ट करती है। और ये भी साफ़ सफाई करने वाली, कल ये पेड़ काटे थे गायों के लिए, पत्ते गाय ने खा लिए, अब इनको हम काट के रख देंगे। जैसे इतने इतने पीस है ना, इतने पीस करके रख देंगे, फिर जब अगर सर्दियाँ आएंगी तो चूल्हे में आग जलाओ, क्योंकि हमारे यहाँ मक्की की फसल होती है, मक्की की फसल लगने वाली, तो मक्की की फसल जब मक्की होगी उसको आराम से भूनेंगे हम। चलो भाई गाड़ी अपनी होगी लोड, अब आगे जाते हैं। ओके भाई, खाली करके अनलोड गाड़ी, कितने फेरे पैसे मिलेंगे फेरे के? यहाँ से जाएंगे, इसको अपने फेंकेंगे खेतों पे, फिर इसको डालेंगे बाद में खेतों पे, पहले एक साइड पे फेंकेंगे। होगी भाई अनलोड, ये काम अपना ख़त्म, क्योंकि अगर सारा काम मम्मी करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो काम मिलजुल के करना पड़ता है। और आज मौसम ऊपर से फिर से बारिश का, देखो आप तो बताना भाई, एक आप ही बताना भाई, किसके साथ क्या प्रैंक किया जाए, मतलब कोई आइडिया दे दो आपको जो सही लगे, सुनील के साथ, गौरव के साथ, जानू के साथ, किसी के साथ भी, कौन सा प्रैंक बेस्ट रहेगा। मैं आपको मतलब एक चीज़ दिखाता हूँ, शायद आपने कई भाइयों ने देखी होगी, कई भाइयों ने मेरी तरह नहीं देखी होगी। ये देखो भाई, 20 रुपीज़ की कॉइन, 20 का सिक्का, गौरव ने रखा है इसको संभाल के, मतलब पता नहीं कब से रखा है। चाबी दीजिए गौरव, चाबी बाहर है। तो भाई कामकाज कर दिया, वही जो था सारा ख़त्म। अब हमारे घर में आए हमारी नानी, मम्मी से पूछती मम्मी को कैसा लगा, मम्मी आपको कैसा लग रहा है आपकी मम्मी हमारे घर में आई? भाई बहुत खुशी हुई है, मम्मा आई है भाई, मम्मा ही होती है भाई, क्योंकि देखो हम अपनी मम्मा के बिना रह नहीं सकते ना, तो मम्मा को भी अपनी मम्मा की याद आती है। तो आज हमारी आई है नानी घर, पहले हम मस्त बाइक लेके जाएंगे, कुछ लेके आते हैं खाने के लिए सबके लिए, आज पिलाओ पानी पिलाओ। मम्मी आज बहुत ही खुश, क्योंकि मतलब हम भी घर से बाहर जाते हैं तो अगर कोई दिक्कत हो तो माँ की याद आती है, मतलब एक माँ ही होती है तो पूछती है घर से, मतलब माँ ही पूछेगी आपने खाना खाया नहीं खाया, बाकी तो सब मतलब पूछेंगे माँ पूछती है खाना खाया, बाकी पूछे कितने पैसे कमा रहे, वो ऐसे सॉन्ग था डॉलर वर्सेस रोटी। तो चलते हैं बाइक लेके, मतलब जब भी घर से जाना पड़े ना तो भाई कुछ ना कुछ सामान हमें लेके जाना पड़ता है। अब हमें लेके जाना है गाय के लिए दलिया, मतलब जो मक्की और कनक उसको पिसवा के जो निकलेगा वो दलिया। जल जल रख रख, गिव मी योर मनी। मैं कितने पैसे लेने? तो भाई चलो आए, मम्मी आलू लेकर, आलू लाना है, सब्जी लानी है घर के लिए, नानी के घर जाने की सबको खुशी होती है, और आज नानी हमारे घर आ गई, हमें ज़्यादा खुशी होगी। ओ भाई आराम से, कच्चे रास्ते में बिल्कुल मज़ा नहीं आता चलने का, और जब ट्रिपलिंग की हो, ट्रिपलिंग मतलब मैं और गौरव और हमारा वो आटे की डगी बैग, अपने घर से मतलब हमारे घर से मेन रोड है 800 मीटर दूर, इस रोड का एक प्रॉफिट है। बारिश में ना यहाँ पर कीचड़ वगैरह इतना होता नहीं है, गाड़ी बारिश में आराम से जाती, क्योंकि पत्थर हैं सिर्फ। एक बात मैंने आपसे जानी, जैसे मैंने आपसे अभी पूछा कि भाई मुझे बताओ कि हम मतलब किस पे प्रैंक करें, किस चीज़ का प्रैंक करें, टॉपिक बताओ, हम कोशिश करेंगे जब तक घर पे हैं उसी पे, उस टॉपिक पे प्रैंक करें, क्योंकि ब्लॉग तो डेली बन रहे हैं, सो भी फन करें, मौज मस्ती करें।
क्योंकि पिछली वीडियो आपने देखी उसमें आपने प्रैंक देखे, इस वीडियो में आप खुद ही कमेंट कर दो हम किस पे प्रैंक बनाएं। बस ऐसा ही मौसम रहना चाहिए एकदम मस्त, बिल्कुल ना बारिश ना धूप। मैं कल भी आपसे कह रहा था कि मैं बाइक का काम करवाऊँगा, पर अभी तक टाइम नहीं मिल पा रहा बाइक का काम करवाने का। देखते हैं नेक्स्ट डे गोइंग टू निशारा मार्केट, अपने आने वाली है मैन रोड। इस रोड में मुश्किल होती है बच्चों को, जब स्कूल टाइम बारिश होती है ना तो बीच में नाले पड़ते हैं, तो नालों पे पानी का फ्लो बढ़ जाता है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको रोड का पता है, और जो लोग बाहर से जैसे एम्बुलेंस को बुलाएंगे जब कोई बंदा मटेरियल मंगवाता है वो गाड़ी यहाँ पे आती ही नहीं है। जहाँ से आपको आना है वहीं रास्ता गंदा है। देखो भाई आप धीरे 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 हमें भी चलना पड़ेगा। पहुँच गए भाई मेन रोड पे, ये आ गई अपनी मेन रोड। हमें यहाँ से साइड ही जाना, तो हम यहाँ साइड साइड से निकल जाते हैं। ये दुकान अपने पास ही यहाँ पे, आटा दे दिया पिसवाने के लिए, मतलब दाने दे दिए पिसवाने के लिए, उसको आटा ज़्यादा दलिया बनेगा। अब जाना यहाँ पास मार्केट पे, थोड़ा घर के लिए सामान वगैरह लेना है वो लेते हैं फिर चलते हैं। तो यहाँ से ना एक शॉर्ट रास्ता बनेगा पार सीधा, हमें मार्केट हमारी बाईपास हो जाएगी पूरी। अभी हमें मार्केट जाना पड़ता है, और अभी खाएंगे भाई पानी पूरी मतलब गोलगप्पे। और वहाँ पहुँचे ना, और भाई सो गोलगप्पे वाली भाई वो रेडी ही बंद थी आज, भैया नहीं आए। तो आप गौरव की मनपसंद आइसक्रीम बस लास्ट बचती ही वही है भाई, क्योंकि यहाँ पे वो आसानी से मिल जाती है ना। आ गए भाई गोलगप्पे खाने के लिए, भैया भी आ गए, मिल गए भैया तो इधर ही थे हम आए। हाँ नई जगह मस्त गोलगप्पे खाना चाहिए गर्मी में। गौर से देखिए हमारी प्लेट खाली हो चुकी है। और खाना कुछ सर बोलो, सेवा करने में शाम को हैं। अच्छा ये क्या है? तो भाई खा लिए गोलगप्पे, अब जा रहे हैं घर के लिए। यहाँ पे एक दुकान है दत्ता कम्युनिकेशन, सबसे सस्ती एलईडी टीवी, अगर आपको लेनी है तो भाई इस नंबर पे कांटेक्ट करें, पर ज़्यादा फ़ोन मत करना। हैं 32 इंच की, 32 इंच टीवी भाई 6,990, मतलब 7,000 की टीवी आपको पड़ेगी 32 इंच। जिन भाइयों को लेनी है यहाँ पे कांटेक्ट करें, कहीं से भी आपको कुरियर में मिल जाएगी। आज हम आगे भाई नए रास्ते से, नया रास्ता मतलब जितना यहाँ पे कंक्रीट पड़ी है मस्त, इतना आगे से ख़राब है मस्त, आगे ऑफ रोड करनी पड़ेगी। मतलब वो अपना मेन रास्ता, यहाँ से बड़ी गाड़ी जाती है, यहाँ से अपने घर में जाना हो मस्त छोटे छोटे रास्ते से मतलब निकल सकता है। आ गया भाई कर्व तगड़े वाले, और यहाँ पे भाई जगह काफ़ी ख़राब, यहाँ से देख के निकलना पड़ता है क्योंकि ना इस जगह पे बहुत एक्सीडेंट हुए, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ से जहाँ से भी गाड़ी आएगी पेड़ है ना कुछ दिखता नहीं है। फिर आ गया टर्न, ओ भाई आराम से मेरे भाई, यहाँ पे रेत है एनो, हम सीधा किसी घर के अंदर पहुँच जाएँ। और हम यहाँ से जाएंगे शॉर्ट रास्ता एक और है पर लंबा पड़ता है, मतलब वो अपना शमशान घाट है ना वहाँ से होकर गुजरना पड़ता है हमको निकलना है यहाँ से। आप आगे भाई बिल्कुल ऑफ रोड, यहाँ पे बारिश में तो बिल्कुल आ नहीं सकते, और जब फसल वगैरह हो तब भी आना मुश्किल है क्योंकि भाई किसी का खेत है ना, तो खेत से रास्ते हमसे निकलने कोई दिक्कत नहीं है। अनट्रेन अगर बंदा बाइक लेके आएगा, अगर किसी के खेतों में जाओगे तो बंदा तो मारेगा भाई, गाली तो देगा ही देगा ना अगर किसी की फसल में बाइक लेके जाते हैं। आराम से ओके ओके आराम से आराम, अपनी बाइक है ये, अपना गांव है मतलब ये हमारा गांव है, ये अपना आगे गांव, वो यहाँ से निकलते हैं साइड साइड से। अभी तो खेत सब खाली, हम कहीं से मतलब निकाल सकते हैं खेतों से भी। आप कह रहे होंगे यहाँ से बाइक लेके आए हो, बाइक मतलब बाइक तोड़ रहे हो, पर आई थिंक जो मेरा मेन रास्ता उसी ये रास्ता बेहतर है, उसके इतने खड्डे नहीं है। गांव से निकलने का एक रिक्स है, किसी भी घर में कुत्ता हो सकता है उसका आपको नहीं पता, क्योंकि कुत्ते से बच के चलना पड़ता है। घरों के पीछे भी जाना पड़ता है। के पास से भी जाना पड़ता है, खेतों के बीच से भी जाना पड़ता है, ऐसी ऑफ रोड किसी ने नहीं की। हाँ खेतों के बीच से भाई, ओ वाओ ओ ओ आराम से आराम से आराम से आराम से भाई मेरे। ये रास्ता आ गया सीधा बाहर निकला है, और यहाँ से हमको फिर अपने घर जाना है। ये अपनी ज़मीन आ गई, अपने खेत, यहाँ पे हम यहाँ मर्जी जाएँ कोई दिक्कत नहीं।
पहुंच गए भाई फाइनली अपने घर पे, सब बैठे हुए घर पे। होगी भाई फिर से शाम। गौरव और सुनील लाना भाई मिर्चियाँ नहीं बूटियाँ लगाया यार। सुनील लगा रहा है मिर्चियों की, मिर्ची के पेड़ छोटे छोटे। गौरव को बोलो थोड़ी हेल्प करेगा तो बैठते हम इधर। क्या करना है भरावा, काली भी दस्या सी। गौरव इधर बैठ के मस्त गेम खेलते हैं। हम बैठते हैं मुर्गों के साथ अंदर। तो भाई पहुंच के भाई अभी पड़ गया अंधेरा। देखो भाई अंधेरा पड़ने वाला, गाय हमने बांध दी। खा ले एक मिनट, तभी देखते हैं जाएंगे नहीं तो ऊपर वापस से शाम के टाइम। तो जाना जिम, संडे जी बंद है भाई, संडे छुट्टी हमारी पूरी टोटली बंद। आज फुल रेस्ट, बॉडी मसल्स रेस्ट करेंगे हम। ओके ओके चल ठीक है फिर भाई। पहुंच के घर पे, मतलब आई न्याय देने नहीं गए थे पर फिर भी 11 बज गए। मतलब आपको पता, नानी जी घर पे आए तो उनसे बातें करते, खाना पीना खाया तो शूट नहीं कर पाए, आराम से बैठ रहे सब। तो बस अब गौरव लेटा है पर सुनील गया हुआ है भाई मैच देखने के लिए। मतलब करेंगे ब्लॉग को ऐड आज, आराम से करेंगे, तकरीबन 1 बजे तक ब्लॉग ऐड हो जाएगा। फिर करेंगे आराम सुबह बता, जैसे आपको बताया आप एक चैलेंज दे सकते हो हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं अनदर ब्लॉग पर।